हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम मेहरानगढ़ किले के बारे में जानेंगे। ये किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। ये अपने शानदार वास्तुकला और इससे जुड़े इतिहास के लिए काफ़ी फेमस है, जिसके लिए ये पहचाना जाता है। ये किला राजस्थान के जोधपुर में लगभग 1200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले के चारों तरफ मोटी दीवारें बनी हुई हैं, जिससे इस किले की रक्षा होती है। इस किले के अंदर कई शानदार महल हैं जो बहुत सुंदर हैं, जिसके अंदर काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ की गई हैं। इस किले के इतिहास के बारे में जाने तो राठौर वंश के प्रमुख राजा राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही 1459 में जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। जोधपुर से पहले मंदौर मारवाड़ की राजधानी थी। राव जोधा राजा रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे और 15वें राठौर शासक बने। सिंहासन पर बैठने के लगभग एक साल बाद राव जोधा ने अपनी राजधानी जोधपुर में स्थापित कर ली। क्योंकि मंदौर पर बार बार आक्रमण होने की वजह से, और ये किला काफ़ी पुराना भी हो गया था, जिस वजह से ये सुरक्षित नहीं था, इसी कारण जोधपुर को अपनी राजधानी बनाई। जोधपुर में एक भागुर चेरिया नामक एक पहाड़ है, जिस पर यह मेहरानगढ़ किला बना हुआ है। इस पहाड़ी को पक्षियों के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी पक्षियाँ रहती हैं। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले के पास ही एक करणी माता का मंदिर भी बनवाया था। मेहरानगढ़ का पहले राजस्थानी भाषा में नाम मिहिरगढ़ था, जिसका अर्थ सूर्य देवता के किले से है। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि राठौड़ साम्राज्य के प्रमुख देवता सूर्य हुआ करते थे। बाद में ये नाम मेहरानगढ़ हो गया। ये किला आज शहर के बीच में स्थित है, जिसके चारों तरफ आपको नीले रंगों के घर बने हुए दिखाई देंगे। किले के अंदर एक विशाल आंगन है और इसके पास कई महल हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। इसी के पास एक संग्रहालय है, जिसमें कई ऐतिहासिक वस्तुएँ रखी हुई हैं। राजाओं की तलवारें हैं, युद्ध की पोशाक, रक्षा कवच, पालना, रानियों के गहने, कई सारी मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, पालकियाँ हैं, ये सब इस संग्रहालय में रखे हुए हैं। किले में शहर के निचले भाग में जाने के लिए एक घुमावदार रास्ता भी है। इस किले की दीवारों पर युद्ध के समय आक्रमण व तोप के गोले के निशान भी देखे जा सकते हैं। और किले के बाईं ओर कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जो एक वीर सैनिक जिन्होंने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। किले के अंदर जाने के लिए 7 मुख्य दरवाजे हैं। पहला जयपोल है, जिसे विजय का द्वार कहा जाता है। इसे महाराजा मान सिंह के द्वारा 1806 में जयपुर और बीकानेर के युद्ध में विजय के लिए बनवाया था। दूसरा है फतेहपोल, जिसे 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में बनवाया गया था। तीसरा है गोपाल पोल, चौथा है डेढ़ कांगड़ा पोल। इस पोल पर आज भी तोप के गोले के निशान दिखाई देते हैं। पांचवा अमृत पोल और छठवां लोहा पोल। इस पोल पर रानियों, राजकुमारियों और बाइयों के हाथ के निशान मिलते हैं, जो सती होने के प्रमाण के हैं। सातवां है सूर्य पोल, ये सबसे अंदर का दरवाज़ा है, जो महल परिसर को दौलत खाना चौक तक जोड़ता है। इस मेहरानगढ़ किले के अंदर कई खूबसूरत महल हैं, जिसमें सुंदर सुंदर नक्काशियाँ आज भी देखी जा सकती हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाना शामिल है। इस किले के पास ही चामुंडा माता जी का मंदिर है। चामुंडा माता जी राव जोधा की पसंदीदा देवी थीं। उन्होंने उनकी मूर्ति को 1460 में मंडोर की पुरानी राजधानी से लाया था
और उन्हें मेहरानगढ़ में स्थापित किया। यहाँ पर आज भी दशहरा के दिन लोग मिलकर उत्सव मनाते हैं। लोक संगीत, नृत्य और संगीत सभाएं होती हैं। ये किले अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध है, जिस वजह से यहाँ पर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती हैं, जैसे आवारापन, द जंगल बुक, द डार्क नाइट राइज और कई म्यूज़िक एल्बम की भी यहाँ शूटिंग हुई है। तो ये थी मेहरानगढ़ किले से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।